अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर रफीक। मेरा आज की वीडियो का टॉपिक 400 फीट रोड के ऊपर क्या डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें 2.9 किलोमीटर का एरिया जो कि ओवरसीज सेंट्रल से लेके सिलिकॉन विलेज तक का है, यहाँ पर ब्राउनिंग और एसफॉल्ट का काम हो चुका है। जो एसफॉल्ट वाला पार्ट है वो 1.5 किलोमीटर का है और रिमेनिंग एरिया के ऊपर ब्राउनिंग हुई है। वीडियो का आगाज करने से पहले हमारा लेकवे कॉटेजेस नारान जो कि पोजेशन के बिल्कुल करीब है, नेक्स्ट सीजन में यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएगा। यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर रेंटल एज वेल एज कंप्लीट ओनरशिप मिलेगी। और सेकंड हमारा प्रोजेक्ट टॉप सिटी 1 में चार कनाल का प्रोजेक्ट है, जहां आप पा सकते हैं शॉप्स, ऑफिसेज और अपार्टमेंट्स। लेफ्ट साइड का एरिया जो आप देख रहे हैं ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर सी और ई के बीच का एरिया है, और राइट साइड के ऊपर ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर जी है, और बीच में आपके ये 400 फीट रोड है। 400 फीट रोड सिलिकॉन विलेज के एक्सेस देने की वजह से हार्मनी सेंट्रल, सिलिकॉन विलेज और रिमेनिंग ओवरसीज सेंट्रल को रिमेनिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी के सेक्टर्स ओवरसीज ईस्ट एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज प्राइम 1 से आपको कनेक्ट कर रही है, और ये रोड लीड करेगी इन फ्यूचर मेन इंटरचेंज की तरफ। अभी आपको टेम्परेरी एक्सेस के साथ इंटरचेंज एक्सेस मिलती है। इस मेन रोड का जो एरिया है यहाँ पर पिछले कुछ माह से कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई है, जबकि ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर एफ और डॉक्टर्स इनक्लेव वाली साइड है, फिलहाल उस एरिया के ऊपर कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है। इस 18 लेन 400 फीट रोड के सेंटर में BRT रूट की आप लेन दे सकते हैं, और इसके बाद जो बीच में सरकारी रोड है उसको आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो वहां पर 20 लेन आ जाती है। गालिबन इसको फर्दर एक्सपेंड किया जा रहा है। लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड के ऊपर 5 और 7 मल्ला का सेक्टर सेक्टर ई, और राइट साइड के ऊपर 10 मल्ला का सेक्टर सेक्टर जी। तो लोकेशन वाइज इन दोनों सेक्टर्स की लोकेशन आप देखें तो बहुत ज्यादा प्राइम है, और ये आपका मेन 400 फीट रोड। इस 400 फीट रोड के अंदर से एक सरकारी रोड जा रही थी जो कि एलिवेटेड थी और बहुत अजीब सी लुक दे रही थी, और काफी ज्यादा लोगों का कंसर्न था कि इस रोड के हवाले से क्या होगा। तो उन नाजरीन को मुबारक हो कि ये रोड गिरा कर स्मार्ट सिटी ने 400 फीट रोड के ग्राउंड लेवल के ऊपर एक अल्टरनेट रूट दे दिया, जहां से ये बंदा भी गुजर रहा है। इस रूट से अब यहाँ की मुकामी आबादी इंटरसेक्ट करते हुए इंटरचेंज वाले पुल तक जाएगी, और यहाँ पर स्मार्ट सिटी ने इस रोड को गिराकर इस रोड की कंपैक्शन और एसफॉल्ट का काम का आगाज कर दिया है। मींस ना तो यहाँ पर कोई अंडरपास बन रहा है और ना ही यहाँ पर कोई फ्लाई ओवर बन रहा है। हो सकता है अभी वो चीजें अंडर प्रोसेस हो, अंडर अप्रूवल हो, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो लेबर है यहाँ पर वो कह रही है कि यहाँ पर अभी हम रोड को पक्का कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस राउंड अबाउट को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो 18 लेन की जगह 20 लेन के ऊपर काम हो रहा है। तो लेट्स सी स्मार्ट सिटी इस रूट को क्या रीडिजाइन करती है और यहाँ पर किस एरिया के ऊपर क्या ग्रीनरी आती है। इसके अलावा ये राउंड अबाउट यहाँ पर फ्रीडम स्क्वायर कहलाता है, यहाँ पे स्मार्ट सिटी ने कुछ एस्थेटिक डिजाइंस को लॉन्च किया और उसके ऊपर काम हो रहा है। और इस फ्रीडम स्क्वायर को आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आपको लेन्स अगर आप काउंट करते हैं तो यहाँ पर 18 की जगह 20 लेन रोड्स हैं। आने वाले दिनों में कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज के ऊपर डेवलपमेंट का काम का आगाज भी हो जाना है। इसके अलावा 400 फीट रोड का जब तक इंटरचेंज तक लैंड की क्लीयरेंस और इस 400 फीट रोड का ओवरसीज ईस्ट तक क्लीयरेंस नहीं हो जाता, तब तक एक एग्जैक्ट फुटफॉल और एक एग्जैक्ट ROI यहाँ पर नहीं आना, ये तो एक ऑब्वियस ही बात। स्मार्ट सिटी जब तक अपनी इंटरचेंज के साथ इस रोड को कनेक्ट नहीं कर पाती तब तक कैपिटल स्मार्ट सिटी में ROI का प्रॉपर आना बगैर टीके का ये पॉसिबिलिटी बहुत महदूद होती जा रही है। दिस इज आमिर रफीक साइनिंग ऑफ।